Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So, आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 2017 के मार्को चैन के पूछे हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. So, let's start with the first question. This question is from part B. The question says that consider a Markov chain Xn where n is greater than equals to 0 with state space 1, 2, 3 and transition matrix is P. Then we have to find P x1, x3 equals to 1 and x0 equals to 1. Like, हमें यहाँ से प्रोबेबिलिटी याद करनी है, फाइंड आउट करनी है जो x 1 से 1 पर ही जाना है, बट जाना कितना है, 0 से 1 स्टेप, 1 से 2 स्टेप, 2 से 3 स्टेप. सो टोटल 3 स्टेप में हमें 1 से 1 पर वापस रिटर्न करना है, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी याद करनी है. ये हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से डायग्राम ट्रांजिशन मैट्रिक्स दिए, ट्रांजिशन मैट्रिक्स से ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे. तीन स्टेट दिए 1 2 3, तो यहाँ से तीनों स्टेट ले लेते हैं, 1 2 और 3. तीनों स्टेट हमने यहाँ से राइट आउट कर लिए. अब हम कह रहे हैं 1 से हम 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 0, बट 1 से हमारे पास 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2. सो 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2. सेम केस है 1 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 1/2 आ गई. सेम अगर 2 से आप 1 पे जाओगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2. सो 2 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 0, 2 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. सिमिलर केस है हमारे पास 3 के लिए, 3 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 3 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 3 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है 0. इस टाइप का ट्रांजिशन डायग्राम हमारे पास बन गया है. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 1 से वापस रिटर्न करना है 1 पर. तो 1 से हम 1 पे आने का दो पाथ हो सकते हैं, तीन स्टेप में. हम 1 से पहले 2 चले जाए, 2 से फिर हम 3 आ जाए और 3 से वापस बना रहे हैं. यहाँ से एक स्टेप यहाँ हुआ है, दूसरा स्टेप यहाँ हुआ है, तीसरा स्टेप यहाँ हुआ है. सेम इसके अलावा एक केस हो सकता है, 1 से हम पहले 3 पर चले जाए, 3 से हम 2 पर आ जाए और 2 से हम वापस 1 पे आ जाए. इसमें भी तीन ही स्टेप हुए हैं. सो अगर हम पहले पाथ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 से 2 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, 2 से 3 पर जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और 3 से वापस 1 पर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2. सो टोटल वैल्यू यहां से आएगी. प्लस अगर दूसरे पाथ के अकॉर्डिंग चलते हैं तो दूसरे पाथ के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 से हम पहले 3 पर जाएंगे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1/3, 1/2. अगर 3 से हम 2 पे जाएंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और 2 से वापस 1 पे आओगे प्रोबेबिलिटी 1/2. इन दोनों का सम करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ से 1/8 प्लस 1/8 विच इज इक्वल टू 2/8. 2/8 को अगर हम सिंप्लीफाई करें वैल्यू आएगी 1/4. सो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4. सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करते हैं, हमारा ऑप्शन बी यहाँ से 1/4 एक करेक्ट आंसर होगा. Now come to the next question. So the next question is from part C. The question says that consider a Markov chain with 5 states 1, 2, 3, 4, 5 and transition matrix. P हमें transition matrix दी है. Then we have to find which of the following options is correct. So यहाँ से transition matrix दी है. अगर transition matrix को हम diagram के form में पहले transition diagram plot कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ से communicating states देखते हैं. But यहाँ से जो हमें matrix दी गई है, ये हमें पार्ट सी का क्वेश्चन दिया गया है, तो पार्ट सी के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस हो सकते हैं. सो हम ट्रांजिशन स्टेट्स हमें दिए, 5 स्टेट दिए, 1 2 3 4 5. सो पहली 1 यहाँ लिख लेते हैं, देन 2 है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास 3, एंड देन है हमारे पास यहाँ पर 4 एंड देन 5. ये है कुछ इस तरीके से. अब 1 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी, सेल्फ लूप है यहाँ पे, 1 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है. सो सेल्फ लूप हमने यहाँ क्रिएट कर देना है, प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2. नेक्स्ट अगर इस तरीके से देखिए, 1 से हम 2 पर जा रहे हैं, 1 से 3 पर, 1 से 4 पर जाने की प्रोबेबिलिटी दी गई है हमें 1/4. सिमिलरली अगर 2 से हम 2 पर जाएंगे सेल्फ लूप के केस में हमारे पास प्रोबेबिलिटी, और 2 से हमारे पास 5 पर जाने की प्रोबेबिलिटी दी गई है. सिमिलरली यहाँ से 3 से हम स्टार्ट करेंगे, तो 3 से हम 2 पर भी जाएंगे, 3 से हम 1 पर भी जाएंगे, 3 से हम 3 पर भी जा रहे हैं और 3 से हम 4 पर भी जाएंगे, 3 से हम 5 पर भी जा रहे हैं. इनकी प्रोबेबिलिटीज हमें दी गई 1/5, 1/5 एंड 1/5 है सबकी. सिमिलरली 4 से 1 पर जाने की प्रोबेबिलिटी, 4 से हम 1 पे जाने का एक पाथ है, सिमिलरली 4 से 4 पर आने का एक पाथ है, सेल्फ लूप है. एंड देन 5 के केस में अगर देखें तो 5 से 2 पर जाने का एक पाथ है, 5 से 2 पर जाने का एक पाथ है और 5 सेल्फ लूप स्टेट है. सो 5 से 5 पर आने का एक पाथ है. इस तरीके से हमें यहाँ से दिया गया. अब हमें पूछा गया कौन सी क्लासेस कम्युनिकेट करती है. सो अगर 1 से हम टारगेट करते चले, सबसे पहले हम 1 लेते हैं. सो 1 कम्युनिकेट करिए 1 से ऐसे स्टेट जिस पर जाए और वापस आ जाए. 1 से हमारे पास 1 पर जाने का पाथ है, उसके अलावा 4 पर जाने का पाथ है. सो 1 से 4 पर जा सकते हैं, 4 से वापस 1 पे आने का भी एक पाथ है. तो यहाँ से 1 और 4 एक ही क्लास में होंगे, बाकी 1 से हम किसी भी स्टेट पर नहीं जा सकते. सिमिलरली अगर 2 को टारगेट करें, 2 से हम 2 पर जा सकते हैं और 2 के अलावा 2 से हम
फाइव पे जा रहे हैं और फाइव से वापस टू पर भी आ रहे हैं, सो टू और फाइव एक ही क्लास में होंगे। और उसके अलावा अगर थ्री को टारगेट करोगे तो थ्री के केस में हम थ्री से सारे स्टेट्स पर जा सकते हैं, बट ऐसा कोई भी बात नहीं है जो वापस थ्री पर आ रहा हो, तो इस केस में थ्री अकेला ही आएगा एक क्लास में। सो यहाँ से हमें कम्युनिकेटिंग क्लास पूछी गई है, सो ऐसे कोई भी दो स्टेट जो एक ही क्लास में आते हैं वो कम्युनिकेटिंग स्टेट्स कहलाएंगे और ऐसी क्लास कम्युनिकेटिंग क्लास होगी। सो अगर थ्री एंड वन की टारगेट करो, थ्री हमारे पास अलग क्लास में है और वन हमारे पास अलग क्लास में है, सो एक कम्युनिकेटिंग क्लास में नहीं है, सो ऑप्शन ए डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली ऑप्शन बी की अगर बात करें, ऑप्शन बी में वन और फोर है, वन और फोर हमारे पास सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में है, सो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली अगर ऑप्शन सी के लिए डिस्कस करें, ऑप्शन सी कह रहा है फोर और टू अलग अलग कम्युनिकेटिंग क्लास में, इसलिए ऑप्शन सी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। और ऑप्शन डी कहते हैं टू और फाइव आर इन द सेम कम्युनिकेटिंग क्लास, सो टू और फाइव सेम कम्युनिकेटिंग क्लास में है, सो ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा। यहाँ से ऑप्शन बी और डी दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।